मिंत्रा से, आजियो से, अमेजोन से और लाइमरोड से, सारी समस्या शेयर करती हूँ, शेयर करूँ, लाइक मैं शेयर करने वाली हूँ, शेयर करने वाली हूँ। इतना शेयर बोला है, अब पसंद आएगा वीडियो तो आप लोग भी शेयर कर देना। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू वोको माई विथ रोहिणी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ ऑनलाइन खरीदे हुए कुछ वेडिंग एसेंशियल हॉल, या फिर बोलिए कुछ एथनिक वेयर हॉल, या फिर बोलिए कुछ ऑनलाइन हॉल, जो आप बोलना चाहें। एक्चुअली वेडिंग्स आने वाले हैं और वेडिंग्स शुरू भी हैं इनफैक्ट, तो उस टाइम में आप क्या खरीद सकते हैं मार्केट से, ऑनलाइन खरीदिए या फिर ऑफलाइन खरीदिए, जैसे भी आप चाहें, और क्या क्या एसेंशियल्स हो सकते हैं जो आपको खरीदने चाहिए अगर मिस आउट हो रहे हैं इन योर वार्डरोब। ऐसे ही कुछ आइटम्स मैंने खरीदे हैं मिंत्रा से, आजियो से, अमेजोन से और लाइमरोड से। जी हाँ, फोर साइट से मैंने कुछ आइटम्स खरीदे हैं। आप लोगों के साथ में वो सारे के सारे आइटम्स मैं शेयर करने वाली हूँ, और ये सारे एथनिक वेयर हैं, वेस्टर्न वेयर कोई नहीं है, एथनिक वेयर है। वेस्टर्न वेयर में बहुत पहले ऑलरेडी आप लोगों के साथ में शेयर कर चुकी हूँ, तो इस बार मैंने सोचा आप लोगों के साथ में एथनिक वेयर शेयर करूँ, और कुछ और चीज़ें भी हैं जो मैं आने वाले वीडियोज़ में शेयर करने वाली हूँ। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ कुछ एथनिक एसेंशियल हॉल जो कि मैंने ऑनलाइन खरीदे हैं, वट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। आप लोगों को क्रक्स तो समझ में आ गया होगा कि मैं आप लोगों के साथ में क्या शेयर करने वाली हूँ, है ना। तो एथनिक वेयर में मैंने सोचा कि इस बार मैं आप लोगों के साथ में साड़ीज़ हमेशा शेयर करती हूँ, इस बार मैंने सोचा कि एथनिक वेयर में आप लोगों के साथ में मैं लहंगा शेयर करूँ। लहंगा में भी बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, नेट की होती है, एम्ब्रॉयडर्ड होती है, प्रिंटेड होती है, प्रिंटेड प्लस सीक्वेंस वर्क रहता है। लेकिन इस बार मैं सोच रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है ब्रोकेड स्कर्ट, तो मैं आप लोगों के सामने वही ब्रोकेड स्कर्ट लेके आने वाली हूँ। और मैंने चूज़ करा एक ब्राइट रेड लहंगा ब्रोकेड में। ये लहंगा बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, कलर इतना प्रिटी है, बहुत ज़्यादा प्रिटी कलर है गाइस, और ये बहुत प्यारा, अभी इतनी लाइट भी नहीं है इनफैक्ट, फिर भी ये कलर जो है वो चमक रहा है। लाइट है लेकिन जैसे हम अगर वेडिंग में जाते हैं तो वो एक अलग सी लाइट रहती है ना, वैसी नहीं है, लेकिन फिर भी कितना खूबसूरत इसका ग्लेज आ रहा है। इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है ब्रोकेड में, इस तरीके का एक्चुअली ये कुछ साउथ इंडियन जो नेकलेस पहनते हैं ना, उस टाइप का इसके ऊपर ब्रोकेड वर्क किया हुआ है, बहुत खूबसूरत है। और इसकी जो लाइनिंग भी दी हुई है काफ़ी अच्छी है, और इसको मैंने पहन के देखा कैन स्कर्ट के साथ में, तो इसी के साथ में मैंने इसको निकाल भी दिया। और कैन स्कर्ट के साथ में जब भी आप कोई लहंगा पहनते हैं तो फ्लेयर इतना खूबसूरत आता है, तो इसलिए मैंने इसको पहन के देखा एक कैन स्कर्ट के साथ में, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत इसका पूरा का पूरा गेटअप आया हुआ है। इसका ट्राई ऑन मैं करूँगी मेरे अगले वीडियो में, क्योंकि मैं इसके साथ में और भी कुछ स्टाइलिंग करूँगी आप लोगों के साथ में, आप लोगों के सामने शेयर करूँगी, तो उस वीडियो के लिए वेट करिएगा। मेरी हाइट है करीबन 5'4½", तो मेरी हाइट के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है। हील्स पहनती हूँ तो थोड़ा सा ये ऊपर आ जाता है, और प्लस अगर कैन लगाया है तो थोड़ा सा ऊपर आता है, लेकिन बिल्कुल भी ऑड नहीं लगता है। इसके साथ में ही जो इसका यहाँ पे बॉर्डर एरिया दिया हुआ है ना, उसको आप अनफोल्ड करा सकते हैं, स्टिचिंग को हटा सकते हैं, और इसको आप अपने हिसाब से हाइट बढ़ा भी सकते हैं, तो इस हिसाब से मैं इसको बोलूँगी बहुत खूबसूरत है। इसकी कॉस्ट भी कुछ 600-700 की थी, और इसका ब्रांड भी मैं यहाँ पे मेंशन आउट कर दूँगी। इनफैक्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पूरी की पूरी डिटेल्स मेंशन आउट करूँगी अलॉन्ग विथ द प्रोडक्ट लिंक, परचेज लिंक, तो आप वहाँ से जाके परचेज आउट कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स हैं, गोल्डन था, ग्रीन था, कुछ इस तरीके का भी था, लेकिन मुझे रेड क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है, मेरे से बहुत सारे फेवरेट कलर है, लेकिन एट प्रेजेंट मुझे ऐसा लगा कि वेडिंग्स में रेड कलर बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैं इसी हिसाब से इसको मैंने परचेज किया है। और ये मैंने लिया था अमेजोन से, क्वालिटी बहुत अच्छी है, अगर आप चाहते हैं इस तरीके का, और बहुत ही रिच और रॉयल लुक आता है जब मैं इसको पहनती हूँ। इसका पूरा का पूरा स्टाइलिंग वीडियो मेरे आने वाले वीडियो में है, ज़रूर से चेकआउट करिएगा, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। एथनिक आउटफिट है तो ज़रूरी है कि आपके पास में दुपट्टा होना चाहिए, तो यहाँ पे मैंने दो दुपट्टा लिए हैं। पहला दुपट्टा तो ये बनारसी है, इसके ऊपर जरी वर्क क्या हुआ है, कॉटन ब्लेंड में है, और इसके ऊपर आप देखेंगे इसे स्ट्राइप्स बने हुए हैं, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है ये जो स्ट्राइप वर्क दिख रहा है आप लोगों को, बहुत सुंदर है, एलिगेंट सा पीस है एकदम ही। आप अगर कोई क्रीम या बीज या फिर कॉटन में कुछ और भी वाइट कलर का या येल्लो में, इस तरीके का अगर आपने कोई कुर्ता पहना है या ऐसा कोई एथनिक
एथनिक वेयर डाला है, उस टाइम में आप इस तरीके का कॉटन की चुन्नी पहन सकते हैं। कॉटन सिल्क ब्लेंड में है, काफ़ी अच्छा है और इसको एक्चुअल में आप फ्लोइंग भी रख सकते हैं और प्लीट्स भी बना सकते हैं। मैनेजेबल कपड़ा है, कॉटन सिल्क ब्लेंड में कपड़ा है और बहुत सॉफ्ट और जैसे होना चाहिए एक चुन्नी को वैसा है। इसकी कॉस्ट है 799 रुपीज़ है, तो 700 आप अराउंड मान के चलो। ब्रांड्स में लिखते जाऊंगी। और जो नेक्स्ट है हमारा दुपट्टा, वो काफ़ी अच्छा है। एक्चुअली मैंने इसको ओपन करके भी नहीं देखा, आप लोगों के सामने अभी ओपन कर रही हूँ। मैंने जब ऑनलाइन चेक किया तो बहुत खूबसूरत इसके ऊपर वर्क किया हुआ था। और अगर आप का कोई कपड़ा ऐसा है जो आपने कुर्ती डाली है या साड़ी डाली है या जिस हिसाब से भी आप स्टाइलिंग करना चाहें, तो अगर वो ऐसा बोल्ड कलर या फिर कुछ ऐसे नॉर्मल कलर्स रहते हैं ना, प्रिंटेड ना हो, नॉर्मल कलर हो और सिर्फ आपने एक चुन्नी डाल दी हो उसके ऊपर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा गाइज। एंड मस्ट टेल यू, इट्स लुकिंग सुपर्ब। I loved this. Now after opening it, I'm opening it in front of you guys and look at the work and everything. Oh my god, it's superb, ultimate. What a nice feel it has got. बहुत ज़्यादा खूबसूरत है guys. इसके ऊपर मोर बने हुए हैं, so I literally liked it. मतलब कई बार होता है ना कि जो आप पिक्चर देखते हैं ऑनलाइन वो वैसा होता नहीं है, लेकिन आई मस्ट टेल यू, सो रॉयल दिस चुन्नी इज लुकिंग। लुक एट द वर्क एज वेल एज द कलर कॉम्बिनेशन, एंड द कलर इज लुकिंग सो प्रिटी, सो नाइस, एंड द बॉर्डर एरिया इज ऑल्सो लुकिंग सो सो नाइस। और मैंने इसका एक हाईलाइट आपको नहीं दिखाया है अभी, ये इसका नीचे वाला एरिया बॉर्डर एरिया है, उसके ऊपर इस तरीके का जो वर्क किया हुआ है गाइज, I must tell you, it's a must buy. कुछ और पे इन्वेस्ट नहीं करना है ना, तो इस पे ज़रूर इन्वेस्ट करना, बिकॉज आई वुड लव टू सी यू वेयरिंग दिस। एंड ओ माई गॉड, लुक एट दिस। और अच्छा खासा इसका डायमीटर है या जो भी बोलो विड्थ है, तो बहुत सुंदर दिख रहा है ये आइटम, ओ माई गॉड। और नीचे थोड़े थोड़े टेसल्स लगे हुए हैं, आजकल टेसल्स तो हर एक हर चुन्नी में ही हो रहते हैं, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। सिल्क ब्लेंड में इसका मटेरियल है, 2.5 मीटर की चुन्नी है और बनारसी दुपट्टा है। ओ माई गॉड, आई एम लिटरली ड्रूलिंग ओवर दिस गाइज, आई सिंसियरली लव्ड इट एंड लव्ड द वर्क। ऐसा कोई आपका कुर्ता होगा क्रीम या बेज कलर में, उसमें आप ये वाला दुपट्टा डालिए, सिंपली यू आर गोइंग टू लव इट। और इसकी भी कॉस्ट करीबन 600 क्या थी, 640 इसकी कॉस्ट है एट प्रेजेंट। कॉस्ट मैं बता रही हूँ गाइस, थोड़े फ्लक्चुएशन इधर से उधर हो सकते हैं, और इसका लिंक मैं मेंशन आउट कर दूंगी, तो आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। इसका ब्रांड है काफा एंड द प्रिंटेड रेट इज़ 1995, नियरली 2000 रुपीज़ का ये चुन्नी है। और हैंड वॉश कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ध्यान से कोल्ड वाटर में। और बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है पीछे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बहुत क्यूट सा इस तरीके का कार्ड में इन्होंने पूरे डिटेल्स दिए हैं। लिटरली लाइकिंग दिस, मतलब जो वो फील रहता है ना, यू गेट अ गुड फील फ्रॉम दैट ब्रांड। हाँ, ये दोनों दुपट्टे ही अमेज़ॉन से लिए गए हैं। उनसे मुझे काफ़ी दिनों से अमेज़ॉन से कुछ स्टिच्ड रेडीमेड ब्लाउजेज लेने थे, तो मैंने ट्रायल बेसिस पे एक पहला ब्रोकेड में बहुत ही प्यारा सा इस तरीके का ब्लाउज़ लिया है गाइज। बहुत सुंदर दिख रहा है ये ब्लाउज़, और रेडीमेड ब्लाउज़ है, पीछे इसके हुक बने हुए हैं और काफ़ी अच्छा इसके फिटिंग भी आता है, और प्लस इसमें आप देख सकते हैं यहाँ तक इसके स्लीव्स आते हैं और नीचे इस तरीके का फ्रिल बना हुआ है, काफ़ी अच्छा है। और ये भी ब्रोकेड फिनिश में है, काफ़ी सुंदर है, इसकी फिटिंग काफ़ी अच्छी आई है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऑलरेडी रेडीमेड है, लेकिन फिर भी मुझे उसमें कुछ तो भी और अल्टरेशन की ज़रूरत पड़ रही है। आप एग्जैक्ट वहाँ पे साइज़ चार्ट रहता है, उस हिसाब से आप देखिए, उस हिसाब से आप ऑर्डर करिए। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी अच्छा इसका मार्जिन भी दिया हुआ है, तो अगर आपको अल्टरेशन की ज़रूरत है तो करीबन 1 इंच इसका अल्टरेशन आपको मिल जाएगा स्पेस उसका, और काफ़ी अच्छा है। मतलब अंदर भी लाइनिंग दी हुई है ना, तो आप उसको अनस्टिच भी कर सकते हैं, उधेड़ भी सकते हैं, ताकि अगर आपके हिसाब से उसको और थोड़ा बड़ा करना है उस हिसाब से। काफ़ी सुंदर इसकी क्वालिटी है, मैं बोलूँगी इसकी कॉस्ट है 1000 रुपीज़, कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा है मैं बोलूँगी, लेकिन हाँ आपको स्टिच्ड मिल रहा है,
कपड़ा भी आपको मिल गया है, अदरवाइज स्टिचिंग में ही 500-600 आप खर्चा कर देते हैं, उसके बाद में कपड़े भी खर्चा कर देते हैं, तो वो अल्टीमेटली उतना ही पड़ता है आपको एक ब्लाउज। तो यहाँ पे विदाउट एनी हैसल्स पेट्रोल आपको बिल नहीं भरना है, पेट्रोल के पे खर्चा नहीं करना है, कहीं भी टेलर के यहाँ जाने का 10 बार तो चक्कर लगाते हो कि मिल रहा है नहीं मिल रहा है, है ना। तो उस हिसाब से आप ये रेडीमेड कोई भी ब्लाउज खरीद सकते हैं। पीछे हुक दिया हुआ है, शायद मैंने आपको बता दिया, लेकिन पीछे हुक दिया हुआ है इस तरीके का, तो आई लाइक दिस, दिस इज़ नॉट पैडेड वन, पैडेड ब्लाउज नहीं है तो, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड ऑल्सो बिकॉज पूरा पीछे से इसमें अच्छे खासे हुक्स दिए हुए हैं, सो यू कैन जस्ट गो फॉर दिस। ब्राइट कलर, ब्यूटिफुल कलर, माई फेवरेट कलर, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस गाइज। हाँ इज इट लुकिंग नाइस ना। ओके सो अमेजोन से जो चीज़ें मैंने खरीदी थी वो मैंने ऑलमोस्ट फिनिश करी, सॉरी वन मिनट, एक चीज़ जो बच जाती है वो है एक हैंडबैग। तो यहाँ पे मैंने एक हैंडबैग लिया था, बीडेड हैंडबैग है, इसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड वर्क किया हुआ है और बनारसी ब्रोकेड फिनिश में आप कोई भी आइटम पहनते हैं, आउटफिट पहनते हैं, उसके ऊपर इस तरीके का हैंडबैग काफ़ी अच्छा दिखेगा, एकदम ही एथनिक लुक है, इंडियन लुक है, ट्रेडिशनल लुक है, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। पीछे इसकी जिप भी दी हुई है, सो इट्स एक्चुअली लुकिंग टू गुड, लवली। सिल्क में इसका जो वर्क किया हुआ है, जो बेस है वो सिल्क का है, इसकी कॉस्ट 349 रुपीज़ है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ परचेजिंग देन यू कैन गो फॉर दिस। ऑनलाइन जब मैं सर्च करी थी तो मुझे बहुत प्यारा सा एक पीस दिखा लाइम रोड के ऊपर, तो इस तरीके का ये जैकेट पैटर्न ब्लाउज है, अभी मैंने आपको नॉर्मल ब्लाउज दिखाया, ये एक जैकेट पैटर्न ब्लाउज है, काफ़ी सुंदर है, ब्रोकेड में अगेन फिनिश है इसका और ऊपर से नेट टाइप की इस तरीके की कोटी बनी हुई है, यहाँ तक आपकी स्लीव्स आती हैं और नीचे इस तरीके का फ्रिल वर्क किया हुआ है और सामने ये एक डोरी लगाई हुई है, नेट के ऊपर इस तरीके की यहाँ पे लाइनिंग आप देख रहे हैं, चेस्ट एरिया के राउंड आएगी लाइनिंग और नेट के ऊपर इस तरीके के सीक्वेंस वर्क करा हुआ है, सितारे वाला वर्क है, बहुत खूबसूरत है। ओवरऑल जो फिनिश है और क्वालिटी है काफ़ी अच्छी है, नेट भी एकदम कड़क नहीं है, अच्छा है, सॉफ्ट है। और नेक्स्ट चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि इसका जो फिटिंग आई है, जैसे ही मैंने इसको फिट मतलब आ रहा है कि नहीं आ रहा है चेक करने के लिए देखा, तो इट इज़ एक्चुअली फिटिंग वेरी नाइसली एंड परफेक्टली और साइड में इस तरीके का जिप दिया हुआ है, सो दिस क्वालिटी इज़ ऑल्सो नाइस, जिप की क्वालिटी अच्छी है, सो यू कैन ऑल्सो गो फॉर दिस। ये मैंने लाइम रोड से लिया था, इस प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो मैंने शायद 1000 में कुछ खरीदी थी, लेकिन एट प्रेजेंट कॉस्ट इसकी है 1104 रुपीज़, 1104 रुपीज़ की ये कॉस्ट है, लेकिन वर्थ बाइंग गाइस, बहुत ही ज़्यादा क्लासी रॉयल लुक दे रहा है, आप नीचे पलाजो डालें या किसी भी तरीके से आप इसको स्टाइल कर सकते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत ग्रेसफुल है, वेडिंग्स के लिए बहुत अच्छा है और ये एक ऐसा पीस है जो हमेशा चलेगा, एथनिक वेयर के ऊपर आप मतलब क्लासिक पीस है, एवरग्रीन पीस है, तो आप ये कभी भी पहन सकते हैं। और श्रग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, अगर आपका नॉर्मल सा भी आउटफिट है और उसके ऊपर आप श्रग अच्छा सा डाल लेते हैं तो उस पूरे आउटफिट की एकदम ही क्लास बढ़ जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक श्रग लिया है आजियो से और बहुत अच्छा इसका ब्रांड है, क्योंकि ऑलरेडी ब्रांड मैं यूज़ कर चुकी हूँ जो कि है अक्स ब्रांड, और उसमें इस तरीके का आप देखेंगे कितना खूबसूरत ये लॉन्ग श्रग है, अच्छा खासा लंबा श्रग है और प्लस राइट साइड में आपको एक पॉकेट भी आती है, सो गाइस पॉकेट इज़ अ मस्ट और बहुत अच्छा दिखता है, अंदर में आपकी लाइनिंग भी दी हुई है और बहुत सुंदर लाइनिंग है, बहुत अच्छे क्वालिटी में पूरा का पूरा वर्क बना हुआ है गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके का पूरा वर्क है और अंदर से स्ट्राइप्स ऐसे बने हुए हैं, सेल्फ में स्ट्राइप्स हैं, बहुत सुंदर इसका एक्चुअली फिनिश काफ़ी अच्छा है, पीच कलर मैं बोलूँगी, और क्योंकि ये स्ट्राइप्स बने हुए हैं बहुत ही ऐसा फेस्टिव सा लुक दे रहा है, वेडिंग्स में स्पेशली ये आप पहन सकते हैं, इस तरीके का है और बहुत ही अच्छा सा कुछ नेकलेस सेट आप जो भी आउटफिट है उसके ऊपर डालिए और उसके ऊपर इस तरीके का श्रग डालिए, काफ़ी सुंदर दिखेगा। जो मटेरियल है वो है पॉलिएस्टर, 3/4 स्लीव्स हैं और मैंने करीबन 740 या 30 में ख़रीदा था, अभी एट प्रेजेंट कॉस्ट मैंने चेक करी तो 750 इसका रेट है और काफ़ी अच्छा है, सो यू कैन गो फॉर द फॉर्मल्स एज वेल एज द
इनफॉर्मल लुक्स ऑल्सो आप इसको आप पहन सकते हैं थोड़ा सा फ्यूजन वेयर के साथ में भी, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइलिंग कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट कम्स फ्रॉम द मिंत्रा और ये एक डार्लिंग पीस है। अगेन इट्स अ श्रग बट ये शॉर्ट श्रग में है, जैकेट पैटर्न श्रग पैटर्न इसका कॉम्बिनेशन है। और ये वाला जो कंपनी है या ब्रांड है वो पहली बार मैंने ट्राई करा है, जो कि है अयानी, अयानी ब्रांड है। अभी तक मैंने इसका टैग भी नहीं निकाला है। तो ये जैकेट पैटर्न पहले से मैं आपको दिखाती हूँ पीछे की तरफ से। तो कॉलर पैटर्न है, कलर ब्लेंड देखिए गाइज, लुक एट द कलर, इट्स लुकिंग सुपर्ब। पीच गोल्डन रेड कलर कॉम्बिनेशन का जो ब्लेंड है ना, इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली सुपर्ब। और बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, एथनिक वेयर तो है ही, साथ में एक ना अर्दी सा फीलिंग दे रहा है, थोड़ा सा फोकिश फीलिंग दे रहा है, बहुत खूबसूरत है। उसके साथ में जो सामने का जो पैटर्न है गाइज, लुक एट द पैटर्न ऑफ द कॉलर। तो कॉलर के साथ में नीचे एक मफलर टाइप का इस तरीके का आता है जो कि एंड तक जाता है, और एसिमेट्रिक इसका पूरा स्टिच है गाइज। आई सिंपली लव्ड एंड लव्ड इट, मतलब वॉट टू से, मतलब क्या बोलूँ मैं इसके ऊपर, बहुत सुंदर है। एट प्रेजेंट कॉस्ट इसका नियरली 1400 है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको सेल टाइम में लिया था तो एग्जैक्ट कॉस्ट मुझे पता नहीं, लेकिन हाँ कम ही होगी, वो मैं यहाँ पे टिक करके डाल दूंगी, आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी कॉस्ट कितनी है। और भी मैंने मिंत्रा से आइटम्स खरीदे हैं और मैंने उनको भी लिस्ट आउट किया था मेरे पहले वाले वीडियो में, मैंने मिंत्रा की विश लिस्ट तैयार करी थी और आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करा था। और उस टाइम में मिंत्रा से खरीदे हुए कुछ आइटम्स मैंने उस टाइम में आप लोगों के साथ में शेयर करे थे, तो वहाँ पर भी आप चेकआउट कर सकते हैं, वो भी कुछ एथनिक वेयर ही थे, तो ज़रूर से वो भी आप प्रोडक्ट्स चेकआउट कर लीजिएगा। और इन सब की प्रोडक्ट्स की लिंक, परचेज लिंक मैंने मेंशन आउट करी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, खरीदना है तो वहाँ से खरीदिएगा, थोड़ा सा मुझे भी बेनिफिट मिल जाता है उससे। सो दैट वॉज ऑल अबाउट द वेडिंग एसेंशियल हॉल फ्रॉम ऑनलाइन साइट्स। कैसे लगा ये हॉल और कौन सा वाला पीस आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया मुझे ज़रूर बताइएगा। और इन सारे ही आइटम्स की मैं स्टाइलिंग वीडियोज़ मेरे आने वाले वीडियो में लेके आऊँगी, इनफैक्ट इसी के बाद में शायद। और इतना ही नहीं, मैंने सिर्फ क्लोथ्स नहीं खरीदे, मैंने ज्वेलरी भी खरीदी है, और ज्वेलरी वाला भी वीडियो शायद इसके बाद जाएगा, और वो वाला भी वीडियो आप ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। उसमें भी बहुत प्यारे बहुत ही सुंदर वेडिंग्स से रिलेटेड ही थोड़े भारी वाले मैंने ज्वेलरी सेट्स आप लोगों के साथ में शेयर करने हैं, और करूँगी भी इनफैक्ट। तो यस गाइज, उस वीडियो के लिए भी मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, और अपना सपोर्ट हमेशा ही देते रहिए। और मेरे अगले वीडियो आने तक बाय, टेक केयर।